मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि झज्जर जिले के बेरी में बने माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनाने के अलावा चाइल्ड केयर लीव के लिए दिव्यांग के मामले में उम्र की सीमा हटाने को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की 2000 के करीब अवैध कॉलोनियों में से 600 के पंजीकरण को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आवेदन नहीं करना पड़ेगा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये कार्य अपने आप हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में स्टार्टअप पॉलिसी 2022, हरियाणा स्टेट डेटा सेंटर पॉलिसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। बिजली निर्माताओं के लिए डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कोल की मात्रा को 30% से कम कर 17% किया गया है। बेरी जिला झज्जर माँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है, इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाएं, जैसा भी करें, लेकिन अब अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी कर लिया गया है। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को CCL की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की CCL उनको मिलती है, उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं, लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं।